आज हम गर्भावस्था के दौरान होने वाले उन टेस्टों के बारे में बात करेंगे जो महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी महिलाएं नहीं करवा पाती हैं, या फिर उनके घर वाले नहीं करवा पाते हैं, या डॉक्टर सही एडवाइस नहीं दे पाते हैं, और गाँवों में या इंटीरियर जगहों में तो ये टेस्ट हो ही नहीं पाते हैं। तो इस कारण से फिर माँ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर बच्चों को गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इन्हीं टेस्टों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को उन टेस्टों को कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि माँ और बच्चों के दोनों को खतरा ना रहे और उन टेस्टों के बारे में लोगों को भी जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाह के और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। यदि आपको प्रेगनेंसी या आपके घर में कोई प्रेग्नेंट महिला है तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखें, ताकि मैं जो टेस्टों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ वो एक एक करके बताऊँगा कि ये टेस्ट क्यों कराना चाहिए और इस टेस्ट के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं सोनोग्राफी के बारे में, USG। ये USG टेस्ट बहुत ही ज़रूरी होता है, और अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। ये प्रेग्नेंट महिला को 2.5 से 3 महीने के बीच में कराना चाहिए। इसमें बच्चे की हार्ट बीट का पता चलता है कि बच्चे की हार्ट बीट क्या है, उसके विकास पता चलता है कि वह विकास हो रहा है कि नहीं, उसका वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसकी उम्र क्या हो गई है, मतलब कितने वीक का बच्चा हो गया है, वो ट्विंस तो नहीं है, मतलब बच्चे 2 तो नहीं है, बच्चे 3 तो नहीं है, उसमें ये भी पता चल जाता है। तो इसलिए प्रत्येक महिला की प्रेगनेंसी से 2.5 से 3 महीने के बीच में ये अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी टेस्ट कराना चाहिए, ताकि उसकी अंदर की जो स्थिति है बच्चे और माँ की दोनों को पता चल सके। दूसरा है CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट प्रेगनेंट महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, उसमें पता चलता है कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, और सबसे मेन चीज़ उसमें हीमोग्लोबिन का पता चलता है कि प्रेग्नेंट महिला में कहीं हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, कहीं एनीमिया डिसीज तो नहीं हो गई, यानी कि हीमोग्लोबिन जब कम होता है उसी को हम एनीमिया डिसीज कहते हैं। इस एनीमिया डिसीज से हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, और यदि हीमोग्लोबिन कम होगा तो उसमें बच्चे का विकास भी ठीक तरह से नहीं होगा, और माँ भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। यदि इसका पता चल जाता है तो उस स्थिति में डॉक्टर उसके लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या आप डॉक्टर से कह के उसका ट्रीटमेंट करवा सकती हैं, तो आपको प्रेगनेंसी में इसकी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आपको CBC टेस्ट भी कराना चाहिए। तीसरा होता है यूरिन RM। ये प्रेगनेंट महिलाओं में बहुत ही ज़रूरी होता है इस यूरिन RM टेस्ट का कराना, क्योंकि इसमें पता चलता है किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं है, UTI इन्फेक्शन तो नहीं है। यदि UTI इन्फेक्शन होता है तो ये बच्चे पर जो शिशु होता है उसमें बहुत ही बुरा असर पड़ता है, इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं को ये यूरिन RM टेस्ट भी कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। चौथा है ब्लड प्रेशर। तो प्रेग्नेंट महिलाओं का ब्लड प्रेशर चेक कराना समय समय पर बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये प्रेग्नेंट महिलाओं की जो शिशु होता है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए समय समय पर प्रेग्नेंट महिलाओं को ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। पाँचवा है HIV। HIV टेस्ट कराना महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि महिलाएँ HIV की शिकार हैं तो ये माँ से शिशु में HIV वायरस पहुँच जाता है, और ये बच्चे के लिए भी खतरा होता है। यदि समय पर HIV टेस्ट करा लेते हैं और उसका पता चल जाता है तो बेहतर ट्रीटमेंट से ये बच्चे में HIV वायरस नहीं पहुंच पाता, इसलिए प्रेगनेंसी में महिलाओं के लिए HIV टेस्ट कराना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। और सबसे लास्ट में है स्क्रीनिंग टेस्ट। ये प्रेगनेंट महिलाओं के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें सिंड्रोम का पता चलता है, इसमें ये पता चलता है कि कहीं बच्चा जो शिशु होता है वह कहीं मानसिक या शारीरिक रूप से कहीं विकलांग तो नहीं है या कमज़ोर तो नहीं है। यदि इसके बारे में ये पता चल जाता है, इस टेस्ट को कराते हैं तो आप प्रारंभ में ही शिशु का ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जिससे कि वो मानसिक या शारीरिक रूप से ग्रसित ना हो सके, इसलिए इस टेस्ट को भी कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये सारे टेस्ट प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि स्टार्टिंग या प्रारंभ में ही जो प्रेगनेंसी में पता चल जाता है कि कहीं शिशु को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि शिशु
उनको कोई प्रॉब्लम है अंदर ही, तो उसका स्टार्टिंग में ही सारे टेस्ट कराकर प्रारंभ में ही उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से किया जा सके और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट कर सके। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रेग्नेंट महिलाओं को भी इस वीडियो से जानकारी मिलकर लाभ प्राप्त हो सके और इन टेस्टों के बारे में जानकारी मिल सके। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।